कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के सुनने के बाद ट्विटर पे हमने जो ट्वीट देखा उस पर हंस भी आती है और गुस्सा भी आती है। जो कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक, राम सेतु को काल्पनिक, भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप किया हो, जो राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17, 25-25 वकील खड़े करते हो, जो एक आता हो राम मंदिर निर्माण होने से मोदी मजबूत होगा, जो एक आता हो भाजपा का इवेंट है अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर, जो एक आता हो कि 70 वर्षों से इनका टारगेट रहा है राम मंदिर बनाना, और एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा नाम जय राम रमेश है, राम भी है और रमेश भी है, आगे भी राम पीछे भी राम, तो फिर भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले तुम कालेमी। जिस प्रकार से सनातनियों का मन को आघात, तन को आघात, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, ये महापाप कम होने वाला नहीं है, ये कालेमी वाला रूप गिरगिट जैसे रंग बदलना, रंग बदलने से हिंदू सतर्क और सजग और जागरूक है, हिंदू तुम्हारा रूप देख चुका है और 2024 में 450 पार करके मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा और हम भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाले, हम कभी किसी का अपमान नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, लेकिन तुम लोग सदैव सनातनियों का अपमान करते हो, ये देश और दुनिया जानती है।